आप सबका स्वागत है। आज हम एक कास्टिंग पार्ट क्रियो में फैमिली टेबल की मदद से कैसे बनाते हैं, तो एक ही मॉडल में मशीनिंग, ड्रिलिंग, कास्टिंग का जो भी रॉ मटेरियल है वो कैसे फैमिली टेबल की मदद से हम मैनेज कर सकते हैं वो सीखेंगे। और इसमें ही हम एक कास्टिंग एक्सरसाइज भी बनाएंगे, जो कि किसी को पता नहीं है कि इंडस्ट्री में कोई कास्टिंग का पार्ट है तो उसको कैसे बनाया जाता है क्रियो सॉफ्टवेयर में। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो आपकी स्क्रीन पर जैसी एक एक्सरसाइज दिख रही है वैसी कुछ एक हम बनाएंगे जो कि सिंपल ही है, इजी है। तो उसके लिए सबसे पहले आपका जो वर्क डायरेक्टरी है वो सेट कर दीजिए, जहाँ पे भी आपका जो मॉडल है वो सेव होने वाला है उसको सेट कर दीजिए। तो यहाँ पे हमने एक ये फोल्डर लिया हुआ है, 112 करके एक्सरसाइज है हमारी, यहाँ पर हम सेट कर देते हैं। उसके बाद ये जो न्यू है उस पर क्लिक कर दीजिए, उसके बाद पार्ट और सॉलिड, हमें सॉलिड पार्ट ही बनाना है। उसके बाद यहाँ पे जो आपकी एक्सरसाइज है उसका जो नंबर या तो जो भी आप नाम देना चाहते हैं वो डाल दीजिए। और अगर हम यहाँ पे ये अनटिक करते हैं, अगर हम ये टिक रखते हैं तो हमें हमारा जो डायमेंशन है वो डिफ़ॉल्ट में इंच है वो ले लेता है क्रियो पैरामेट्रिक। अगर हम इसको अनटिक कर देते तो ये हमें जो अलग अलग टेम्पलेट है वो हमें दिखाएगा, वो हमें पूछेगा कि आपको कौन से टेम्पलेट में आपका पार्ट बनाना है। ठीक है, यहाँ पे हम सॉलिड पार्ट MMKS मीन्स हमारा जो सॉलिड पार्ट है वो मिलीमीटर किलोग्राम सेकंड में होना चाहिए वो हम सिलेक्ट करते हैं, आप दूसरा कोई भी ले सकते हैं। ओके, और अगर हमने यहाँ पे कोई अलग ले लिया है पार्ट, ठीक है, सॉरी डायमेंशन, तो यहाँ से हम फाइल में जाके, रिपेयर में जाके, मॉडल प्रॉपर्टी, उसके अंदर यहाँ पे जो ये मिलीमीटर लिखा है, यूनिट मिलीमीटर किलोग्राम सेकंड, वहाँ पे चेंज देके यहाँ से जो भी आपका डायमेंशन है उसको सिलेक्ट करके सेट कर दीजिए। आपको एक पूछेगा कि भाई यस नो, या तो आपको क्या करना है, आपका जो पार्ट है वो वन मीन्स वन बिकम 25.4 चाहिए या तो वन बिकम वन चाहिए, तो ये एक आपको पूछेगा, तो वो आपको एक बाद में देना पड़ेगा अगर आप पहले सिलेक्ट नहीं किया है तो। ठीक है, अभी ये हमारा एक एनवायरनमेंट जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो ओपन हो गया है। तो यहाँ पे अब हम एक सिंपल कास्टिंग एक्सरसाइज जो कि कास्टिंग पार्ट है वो बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले प्लेन ऑन कर देते हैं और एक ये ओरिजिन। अभी सबसे पहले एक टॉप प्लेन ले लीजिए एक्सट्रूड, जो हमारी एक्सरसाइज है वो हम बना देते हैं कुछ। तो उसके लिए सर्कल, कुछ एक दो सर्कल ले लीजिए। हम जो हमारा पार्ट कैसे बनेगा, आगे कैसे मशीनिंग होगा, ड्रिल होगा, तो कौन सा जो एरिया है वो फिक्स होगा, उसके बाद वो फिक्स करने के बाद कौन सी दूसरी लोकेशन मीन्स कौन सी पोजीशन उसको वहाँ से उसका ऑपरेशन होने वाला है वो भी एक डिफाइन करना पड़ता है, तो वो आप कास्टिंग में ही एक प्रोविज़न दे देंगे तो आपको आपका जो ऑपरेशन है वो इजी हो जाएंगे। तो हम जो हमारा ये कास्टिंग का जो ये बॉस हम बना रहे हैं तो वो बॉस हम सॉलिड भी रख सकते हैं, तो हमें ड्रिल में परेशानी होगी। अगर ये हम इसको फॉलो कर देते हैं, मान लीजिए मैं कुछ एक 20 दे देता हूँ, मुझे इसका मशीनिंग ज़्यादा चाहिए तो मैं अभी इसको 20 रख देता हूँ ताकि ये मेरा एक मेरी जो एक्सिस है वो फिक्स हो जाए। ठीक है, इसके बाद मैं इसको कुछ एक 50 दे देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो ये एक मेरा एक सर्कुलर बॉस एक्सट्रूड हो गया। इसके बाद इसको सिमेट्रिक दे दीजिए और आपका जो भी डायमेंशन है वो दे दीजिए, मैं अभी 35 रखता हूँ और ओके दे देता हूँ। तो ये एक बॉस बन गया, उसके बाद अभी प्लेन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ये जो एज है वो आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं, अगर आपकी ऑन नहीं है आपका कुछ एक शायद ऐसे होगा, सॉरी ऐसा नहीं, ऐसे होगा एज के बिना, तो आप यहाँ से एज है वो ऑन कर सकते हैं ताकि आपका पार्ट है वो थोड़ा रियलिस्टिक दिखे, ऐसे कुछ। ठीक है, अभी यहाँ से आप प्लेन ले सकते हैं और प्लेन के बिना भी आप ऑफसेट करके एक एक्सट्रूड का ऑप्शन आता है उससे कर सकते हैं। अभी एक्सट्रूड ले लीजिए, यहाँ से ये फेस कैंसिल कर दीजिए, हम यहाँ पे प्लेन क्रिएट करते हैं ये फेस से, यहाँ से इसको स्क्रॉल डाउन कर दीजिए और उसका कुछ एक डायमेंशन 20 रख दीजिए। और जो हमारा एक दूसरा फीचर है अभी वो क्रिएट करते हैं, अभी ये हमारा प्लेन सिलेक्ट है तो यहाँ से डायरेक्ट भी एक्सट्रूड कर सकते हैं और यहाँ से भी हम फीचर ले सकते हैं और इसको नॉर्मल कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद ये हमारा कुछ 50 का डाया था तो यहाँ पे एक सर्कल बना दीजिए और ये जो डायमेंशन है वो कुछ एक 35 दे दीजिए, मीन्स ये जो हमारा एक्स्ट्रा एक जो फीचर बनेगा उसका। और अभी यहाँ से एक प्रोजेक्ट ले लीजिए और ये जो हमारा सर्कल है कंट्रोल प्रेस कर दीजिए और ये जो आउटर सर्कल है इसको
कंट्रोल प्रेस करने के बाद इसको, ये दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए और जो मिडिल माउस बटन है उसको दबाइए ताकि ये आपका पूरा स्केच में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद लाइन पे आ जाइए, लाइन में टेंजेंट, और यहाँ से कुछ एक ऐसे दे दीजिए और एक कुछ एक ऐसे दे दीजिए। अभी हमारा एंगल फिक्स नहीं है तो उसके लिए हम ऐसे कुछ एक लाइन दे देते। अभी लाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से ये कंस्ट्रक्शन का ऑप्शन आता है, उसको सिलेक्ट कर दीजिए तो ये कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। उसके बाद डायमेंशन पे जाइए, हमारी ये एक्सिस और ये लाइन इसके बीच में एंगल होना चाहिए 45 का, तो कुछ एक ऐसे दे दीजिए। ठीक है, और एक्स्ट्रा जो पोर्शन है उसको ट्रिम कर दीजिए, ये वाला इसको और इसको। तो ये हमारा स्केच जो है वो क्लोज हो गया। इसके बाद हमें एक ये और ये इसको हमें हाइट देनी होगी, तो इसकी कुछ एक हाइट दे दीजिए 40 mm। ठीक है, और ओके कर दीजिए। और इसका हमें कुछ एक चाहिए 15 mm हाइट, एक्सट्रूडेड लेंथ हमें 15 mm चाहिए। तो ये एक हमारा फीचर बन गया। उसके बाद एक फीचर हम यहाँ पे बनाने वाले हैं, ये फेस एक्सट्रूड ले लीजिए, ये फेस ले लीजिए, नॉर्मल कर दीजिए। ठीक है, अभी यहाँ पे एक और एक सर्कल बना दीजिए और इसको दे दीजिए 30। यहाँ से ये लाइन, ये हमें स्ट्रेट ही बनाना है। ठीक है, और यहाँ पे भी हम प्रोजेक्ट का यूज़ करेंगे, प्रोजेक्ट कंट्रोल, पहले एक लाइन सेलेक्ट कर दीजिए और कंट्रोल प्रेस कीजिए और दूसरी लाइन, और मिडल माउस जो बटन होता है उसको सिलेक्ट कर दीजिए ताकि ये बन चुका। उसके बाद ट्रिम, जो एक्स्ट्रा जो है एंटिटी उसको ट्रिम कर दीजिए, यहाँ पे ये है, ये है। ठीक है, कुछ एक ऐसे। अभी ये थोड़ा सा 35 कर देते हैं, और ये जो लेंथ है सेंटर से इसको हम कुछ एक 60 कर देते हैं और ओके कर देते हैं, और इसकी कुछ एक हाइट 15 mm कर देते हैं। ये ओके हो गया। इसके बाद एक बॉस बनाना है, यहाँ पे हमारा ड्रिल आएगा, इसके ये ड्रिल आएगा, और ये हमने जो ये हमारा कास्टिंग में हमने प्रिविजन रखा था, इसलिए रखा था क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे हमारा ड्रिल आने वाला है, तो यहाँ से हम उसका सेंटर एक फिक्स कर सकते हैं और उसकी जो डिफरेंट मूवमेंट है उसको लॉक कर सकते हैं। पहले इसका सेंटर लॉक होना चाहिए, तो ये कास्टिंग में ही हमने फीचर रख दिया था एक। ठीक है, अभी एक हम यहाँ पे फीचर बनाने वाले हैं, इसको नॉर्मल कर दीजिए कुछ एक ऐसे, और इसको कुछ एक दे दीजिए 25 और ओके, और इसकी हाइट कुछ एक रख दीजिए 5 mm और ओके। ठीक है, अभी यहाँ पे एक हमारा बॉस बनेगा सेम ऐसे ही, और इसको नॉर्मल कर दीजिए सर्कल, सॉरी इसको भी 25 कर दीजिए, ओके, सॉरी इसकी जो हाइट है एक्सट्रूडेड, उसका एक जो फीचर है उसको सिलेक्ट कीजिए। ये जो DI वाला डायमेंशन है उसको डायमेंशन है एडिट डायमेंशन कर सकते हैं, और यहाँ पे डबल क्लिक करने के बाद आपको जितना भी देना है वो आप दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप ये कुछ एक बन गया। उसके बाद हम यहाँ पे एक रिब बना देते हैं, हमें कुछ एक रिब चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे प्लेन तो है नहीं, ये हमारा एंगल में बना हुआ है, तो यहाँ पे हम एक्सट्रूडी कर सकते हैं, तो एक्सट्रूड भी आप इसके साथ भी कर सकते हैं। एडिट में चले जाइए और नॉर्मल कर दीजिए, और इसको कुछ एक प्रोजेक्ट ले लीजिए, ये कुछ एक हमारा स्केच बन गया। उसके बाद लाइन सेंटर से यहाँ तक की, ठीक है, उसके बाद एक और लाइन ये फेस से कुछ एक ऐसे, अभी रेंडम कर दीजिए, ये हमारा पैरेलल तो हो गया है, इसको सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे एक मिरर कमांड है और ये एक्सिस ले लीजिए, तो ये हो गया। उसके बाद इसको सेंटर लाइन को डिलीट कर दीजिए, अब अगर डिफाइन नहीं है तो। ठीक है, अभी ये हमारी रिब बन चुकी है, इसका जो डायमेंशन है वो कुछ एक हम 6 mm रख देते हैं, जो इसकी थिकनेस होगी वो 6 mm है। ठीक है, इसको निकाल दीजिए, सॉरी
हमारा कुछ एक सेंटर से होगा, ठीक है, चेंजी से वो सेंटर से होगा, बट ये पैरेलल नहीं है। अब इसको सिलेक्ट कीजिए, कंस्ट्रक्शन कर दीजिए ताकि कुछ एक ठीक तरीके से दिखे। तो ये पैरेलल है, ये एक्सिस और ये हमारी पैरेलल होनी चाहिए कुछ एक ऐसे। उसके बाद ट्रिम कर दीजिए इसको, 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 इसको और इसको, सॉरी अब ट्रिम में चले जाइए, ये जो बाहर का पूरा एरिया है उसको ट्रिम कर दीजिए, ठीक है, और यहाँ से ये और ओके कर दीजिए। तो ये जो हमारी डिप थी वो कुछ इसके साथ ही क्रिएट हो जाएगी फीचर के साथ। तो ये सिंपल पार्ट बन चुका है, बट अभी हम कास्टिंग का बना रहे हैं, तो इसको एक रेडियस एक दे दीजिए ताकि इसको निकालने में इजी रहे, ठीक है। ये जो सारी एज है उसको सिलेक्ट कर दीजिए, कुछ है कैसे। आप सारी एज सिलेक्ट कर दीजिए, अभी एक रेडियस और लगानी पड़ेगी यहाँ पे, ये और ये, यहाँ पे कुछ एक बड़ी रेडियस लगा दीजिए ताकि ये जो हमारा पार्ट है वो फेल ना हो किसी भी एंगल से। यहाँ पे ये दो सेट हो गए थे, डिलीट कर दीजिए, कंट्रोल प्रेस कीजिए, एक के सेट के ही अंदर आएगा, ठीक है, और इसको कुछ एक ऐसे कर दीजिए, थोड़ा सा रेडियस बड़ी कर दीजिए ताकि ये फेल ना हो। यहाँ से 25 एंटर, सॉरी 25 और ओके कर दीजिए, ठीक है। तो ये कुछ एक पार्ट बन गया, बट अभी ये ऊपर वाली रेडियस निकल गई है, तो इसको एक वापस दे दीजिए, कंट्रोल, और ये जो हमारा एक सेट था उसके अंदर ही सारी आ जाएगी रेडियस, ठीक है, ओके कर दीजिए। एक और एक रेडियस ले लीजिए और यहाँ पे सिर्फ सिंपल सी एक 3 mm की रेडियस दे दीजिए, तो ये कुछ एक हमारा कास्टिंग का जो पार्ट है वो बन चुका है। अभी हम आगे क्या करेंगे, हम यहाँ पे और यहाँ पे जो हमारा टेपिंग या तो ड्रिलिंग ऑपरेशन आता है उसको परफॉर्म करेंगे। तो ये हमने फीचर रखा था वो हमें काम आएगा, क्योंकि इसको हम लॉक कर देंगे और उसकी जो दूसरी फेस है उसको भी लॉक कर देंगे ताकि हमारा ड्रिल ऑपरेशन में मूवमेंट ना हो और हमारा होल जो होने वाला है थ्रेडेड होल या तो जो भी है वो परफेक्टली हो, ठीक है। तो ये जो कास्टिंग का ट्यूटोरियल था वो कुछ एक यहाँ तक रखते हैं, अगले वीडियो में फैमिली टेबल जो ये टेपिंग का ऑपरेशन है और मशीनिंग का है वो कवर करने में ट्राई करेंगे।